तो दोस्तों, एक बार अपने घर वालों से लड़ाई होने के बाद मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं चुपचाप अपना बोरिया बिस्तर बांध के अपने दोस्तों के साथ घर से फरार हो गया। और जोश जोश में हमने उस रात कैंपिंग करने की ठानी, पर दिक्कत ये थी कि हम तीनों में से किसी ने भी आज से पहले कभी कैंपिंग नहीं की थी। जैसे तैसे हमने कोई सुनसान पहाड़ पे अच्छी जगह ढूंढ कर कैंप लगाना चालू किया। और जब फाइनली अपना तंबू तानकर हम एंजॉय करने लगे तो पहाड़ के ऊपर इतनी रोशनी देखकर उस गांव के कुछ लोग और पुलिस हमें बकरी चोर समझकर पहाड़ के ऊपर आए। हमारी पूरी बात सुनकर उन्होंने हमें घर फोन लगाने को कहा और आगे से ध्यान रखने की सलाह दी। चोरों के डर से हम अपनी बाइक को किसी सेफ जगह पार्क करके आराम से सो गए। और जब अगले दिन मेरी आँख खुली तो इतना सुंदर नजारा देखकर मेरा कल का सारा गुस्सा ठंडा हो गया। इतना कि अपनी ठंड मिटाने के लिए हमें लकड़ियाँ इकट्ठा करके आग जलानी पड़ी। लेकिन हमारी ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। घर पहुँचते ही हमारा लाठी जूते और चप्पल से धूमधाम स्वागत हुआ, पर पता नहीं क्यों इतनी धुलाई के बाद भी बहुत अच्छा लगा।